मैं हूं आयुष्मान और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यहां पे बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा घर दिखाने आ गया हूं। काफ़ी लोग की डिमांड आई थी कि भाई हमें 1000 स्क्वायर फीट में घर दिखा दीजिए, तो मैं तो यहां के बिल्डर से मिलते हैं आलोक भाई से, तो एक डिटेल जानते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। आलोक भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई, अपना बताओ। हम भी भाई बढ़िया। तो आज कौन सा? आज मैं आपको दिखाने 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। अच्छा, आप एक पूरा एक बार दिखा दीजिए पूरा प्रॉपर। काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा मकान है। सिंगल स्टोरी? हाँ, सिंगल स्टोरी है। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें इसमें फ्रंट की, तो ये जो इसका फ्रंट है 17 है, जो गहरान है 58 है। अच्छा। चलिए आइए एक बार मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ पूरा। हाँ, जो गेट की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, ये आपका 8x8 का है। 8x8? हाँ। यहाँ पे ये आपका ये पूरा पार्किंग आ जा रहा है। पार्किंग की बात करें तो ये आपकी 15x17 की पूरी पार्किंग है। बाकी आप देख रहे होंगे राइट साइड में आपको इंडियन टॉयलेट भी मिल जाएगा, जो कि बाहर से ही है पार्किंग के पास में। आप एक बार अंदर से पूरा दिखा दीजिए। हाँ, ये कंप्लीट है पूरा, बस टोंटियाँ लगना बाकी है, वो सही फिटिंग होके मिलेगी आपको। अच्छा। आप एक बार ऊपर से पूरा प्रॉपर दिखा दीजिए, छत का भी ये सब। नहीं, फॉर्चुनर तो नहीं, लेकिन आपकी मीडियम रेंज में स्वीट विजार वरना ये सारी आ जाएंगी। बाकी मीडियम रेंज में तो सारी हैशबैग आपकी आ जाएंगी। बाकी इधर साइड में आपको बाइक पार्किंग का भी एरिया मिल जाएगा, आप एक बार दिखा दीजिए पूरा। काफ़ी बड़ा है। हाँ, इधर साइड में आप ना पार्किंग कर सकते। ये आपका जो आप पॉइंट देखें, ये हैंड वॉश के लिए है, ये हैंड वॉश के लिए हो जाएगा। अभी हैंड वॉश लगना बाकी है, जो कि हम लगा के आपको देंगे। ये साइड में एक इन्वर्टर के लिए स्पेस दे रखा है, एक बार जूम करके पूरा दिखा दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, ये इन्वर्टर का एरिया रहेगा आपका पूरा। एक पॉइंट भी दिया गया है। हाँ, ठीक है। और बाकी का लाइट के लिए ये आपका सामने पोर्ट दे रखा हुआ है। ये आपके पूरे मकान की सप्लाई रहेगी, MCV बॉक्स है। ठीक है, कनेक्शन वगैरह हो गया पूरा। ऊपर का बता दीजिए। ऊपर में भी आपको ये POP का वर्क रहेगा, प्लस माइनस का, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट है, दिख रहा होगा। वायर वगैरह भी सारे पड़े हुए हैं। आइए मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ पूरा। ये एक आपको हॉल मिल जाएगा। बाकी मैं अगर हॉल के साइज की बात करूँ, तो ये आपका पूरा 10x17 का है। तो आप एक बार पूरा प्रॉपर दिखा दीजिए ऊपर से भी नीचे तक। हाँ, इसमें भी आपको प्लस माइनस का वर्क दिख जाएगा पूरा। ऊपर POP का वर्क? हाँ, उसमें ऊपर आपको POP का पूरा रहेगा। वीडियो लोग शूट करें तो यानी शाम हो गई ज़्यादा तो हाँ, थोड़ा वेंटिलेशन का भी, हालांकि फिर भी प्रॉपर वेंटिलेशन है। ये आपका सामने किचन आ जाएगा। बाकी अगर हम किचन की साइज़ की बात करें, तो ये आपका 5x8 का है। हाँ, जो कि क्वेश्चन नॉर्मल है, अगर कोई भी कस्टमर मॉड्यूलर की था चाह रहा है, तो जो भी मार्जिन रहेगा उसको पे करना पड़ेगा, मॉड्यूलर भी होके मिल जाएगा। नहीं, इसमें भी आपको सॉकेट एक्स्ट्रा दे रहे, पॉइंट दे रखे हुए, एक सॉकेट इधर आपको मिल जाएगा इक्वा गार्ड का। ठीक है, उधर आपका उसका हो जाएगा क्या, गीजर का। तो सारी फिटिंग भी आपको मिल जाएगी, टोटियाँ लगना बाकी है। हाँ, पूरा कंप्लीट होके मिलेगा आपको। जो भी माइनस से चीज़ें अभी बाकी दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करके देंगे। ये सामने OTS आ जाएगा, ताकि रूम में वेंटिलेशन प्रॉपर मेंटेन रहे। इधर से आपका ये किचन का हो जाएगा, इस साइड से आपको रूम का हो जाएगा। रूम में भी आपको हैंड वॉश के लिए पॉइंट दे रखा हुआ है, जो कि हम लगा के देंगे। यहाँ पे लगेगा? हाँ, लगेगा। और बाकी जो है समरसेबल रहेगा, ये आपका समरसेबल है। अच्छा, लगा हुआ। हाँ, सारे मकानों का अलग अलग समरसेबल है, आप एक बार जूम करके दिखा दीजिए। ये पूरा फिनिशिंग होना बाकी, जो भी माइनस से चीज़ें दिख रही हैं आपको सारी चीज़ें। ये जो आपका साइज है पूरा 10x10 का है। अच्छा, 10x10 का पूरा, जो आपका डाइनिंग एरिया है वो 10x10 का है। हाँ, ये आपका रूम आ जाएगा। हाँ, तो रूम बेडरूम है, ये आपका बेडरूम की बात करें तो ये भी आपका 10x11 का है, जो कि वॉशरूम से अटैच है। हाँ, इसमें आप पूरा एक बार ऊपर दिखा दीजिए पूरा प्रॉपर, इसमें प्लस माइनस आएगा, POP का वर्क है। हाँ, नहीं, ये आपका फैन का है, बाकी ये डिजाइन दे रखी है जो आप देख रहे हैं साइड में वाइट, ये पूरे डिजाइन है। हाँ, लाइट के लिए ये होल्डर दे रखे होंगे वॉल पे, आपको दिख रहे होंगे। हाँ, दो होल्डर हैं,
एक पॉइंट दे रखा हुआ है, अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ती है तो ये आपको पॉइंट ये भी ओपन कर सकते हैं। बाकी दो होल्डर दे रखे हैं, बाकी रूम में भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखा है। ये है पूरा, बाकी फिटिंग भी सारी अच्छी है, आप देख सकते हैं सारा ऑलरेडी कंप्लीट है। ये स्विचेस हैं? हाँ, स्विच वगैरह हर रूम में आपको एक्स्ट्रा सॉकेट मिल जाएगा। एक बार आप दिखा दीजिए पूरा, ये ठीक है। ये बैक साइड भी आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, ये आपका OTS आ जाएगा। आप एक बार दिखा दीजिए पूरा प्रॉपर। OTS में भी आपको इसमें दो OTS मिल जाएगा, एक तो आगे दिख रहा होगा, एक ये आपका पीछे है जो कि रूम से अटैच है, जिसमें रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन बना हुआ है। इसमें भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा ये पूरा हैंड वॉश के लिए। अभी लगा लेंगे, लगा के नहीं, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करके देंगे। अच्छा। मतलब जो भी चीज़ें अभी अनकम्प्लीट दिख रही हैं वो सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट करके। हाँ, ये भी आपका रूम से ही है, लेकिन आइए मैं आपको बाहर से बालकनी से दिखा देता, उससे गैलरी से दिखा देता हूँ। ये आपकी गैलरी आ जाएगी, गैलरी से जस्ट बगल में भी एक आपको रूम मिल जाएगा। हाँ, तो ये रूम है। बाकी रूम की साइज़ की बात करें तो ये 12x12 का आपका रूम रहेगा। हाँ, इसमें भी आपको प्लस माइनस का वर्क दिखेगा, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बाकी होल्डर वगैरह सारी चीज़ें लगी है, बस आपको आके के रहना अपना लाइट लगा करके। बाकी सारी चीज़ें कनेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, बस कनेक्शन लेना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें हैं। इसमें भी सारे पॉइंट वगैरह सब दे रखा हुआ। इसमें भी आपको ये AC का भी पॉइंट मिल जाएगा। जी, आप एक बार दिखा दीजिए जूम करके, ये आपका AC का पॉइंट रहेगा। ये आपका OTS से बगल में आपको अटैच वॉशरूम आ जाएगा, जो कि आपका कमोड रहेगा वेस्टर्न। बाकी अगर हम साइज की बात करते हैं तो ये 5x7 का है पूरा। हाँ, आप एक बार ये पूरी फिटिंग दिखा दीजिए। ये आपका गीजर का हो जाएगा, ये शावर का है, ये नीचे आपका मिक्सर का रहेगा। अच्छा। गीजर के लिए एक पॉइंट भी दे रखा हुआ है। हाँ, अंदर से ही है, तो सारी फिटिंग ऑलरेडी है, कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो आइए दिखा देता हूँ इधर से आपको छत का भी एरिया। हाँ, चलिए आगे से है। ये स्टेयर्स, हाँ, ये स्टेयर्स पे भी आपको स्टेयर रेलिंग प्लस मार्बल फेंसिंग मिल जाएगी, जो कि कंप्लीट आप देख रहे होंगे। इसमें भी आपको बीच में हाइलाइटर डाल दिया गया है, जिससे कि जीने का लुक आ जाए। ये लुक वाइज आपको दे दिया गया है ताकि रूम में भी वेंटिलेशन रहे और लुक वाइज भी अच्छा रहे, खूबसूरत है। ये आपकी बाकी अगर हम छत की बात कर रहे हैं तो ये 10.5 फीट पे अपनी हाइट है पूरी छत की। हाँ, ऊपर भी आपको एक पॉइंट दे रखा, ऊपर भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, बाकी ये लाइट के लिए है पूरा। हाँ, ये आपकी बालकनी आ जाएगी पूरी। तो एक बार आप सामने से पूरा ओवरव्यू दिखा दीजिए मकान सोसाइटी का। आबादी वाला एरिया। हाँ हाँ, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, ऑलरेडी कोचिंग वगैरह भी चलती हैं। हाँ, तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है ये अपनी। अभी लोकेशन नहीं बताई। हाँ, बेसिकली मैं अगर लोकेशन की बात करूँ तो जो ये अपनी साइड आती है सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के पास में आती है, आदर्श विहार में। हाँ, जो कि बुद्धेश्वर के टच में है। यहाँ से अगर मैं प्रॉपरली, जहाँ से अपना मकान है यहाँ से मैं बात करूँ बुद्धेश्वर की, तो ये आपका 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। हाँ, बाकी स्कूलिंग की बात करें तो 500 मीटर पर आपका सिद्धार्थ पब्लिक आ जाएगा। स्टेशन पे 1 किलोमीटर की रेंज में आपको स्टेशन मिल जाएगा आलमनगर। हाँ, चार बाग की बात करें तो ये आपका 8 किलोमीटर है। अवध चौराहा बस स्टैंड की बात करें तो ये आपका 6 किलोमीटर है। मतलब जो हमारी ये मकान है प्रॉपर सिटी में है। हाँ, तो आपको कन्विंस की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप सामने मैक्सिमम आपका 200 मीटर आगे जा कर के आपको मेन रोड मिल जाएगा, वहाँ से आपको कन्विंस की सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी। बाकी अगर हम आपको बेसिकली बात करें इस मकान के प्राइस की, तो ये अपने 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। हाँ, जो कि 40 लाख का है। 40 लाख। हाँ, जिसमें से आपको 2 कमरों का सेट रहेगा, एक हॉल मिल जाएगा, बड़ी कार पार्किंग, 2 वॉशरूम, किचन, सारी चीज़ें रहेंगी। अच्छा। हाँ, बाकी अगर आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं, बेसिकली माइनर से चेंजेस चाहते हैं तो चेंजेस भी हो जाए। अगर कोई बड़ा चेंज चाहते हैं, अगर मॉड्यूलर किचन या फॉर सीलिंग वगैरह, तो उसका जो आपको मार्जिन बनी रहेगा वो आपको पे करनी पड़ेगी। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस भी हो जाएगा। बेसिकली हम लोग तो LIC से कराते हैं। हाँ।
कि अगर हम डाउन पेमेंट की बात करें तो 20% आपका डाउन पेमेंट रहेगा, 80% बैंक फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो आपने ये 40 लाख बताया, इसमें कुछ हाँ नेगोशिएबल है, लेकिन ज़्यादा नहीं, जो पॉसिबिलिटी होगी कर दी जाएगी। हाँ, तो जो भी कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो जाएगा कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।